तक जो CCTVs है एक पायलट प्रोजेक्ट है, सीनियर ऑफिसर्स इसको काफ़ी क्वारली वॉच कर रहे हैं और इसका काफ़ी अभी अच्छा फीडबैक है। IG ट्रैफिक और DIG ट्रैफिक का ब्रेन चाइल्ड था कि CCTV लगे, और जो CCTV हमारे लगे हैं ये कंजेशन पॉइंट में लगाए गए हैं जहाँ पर तकरीबन कम्यूटर्स को डिफरेंट फैक्टर्स, चाहे वो लैंडस्लाइड हो, चाहे वो रोड ब्लॉकेट हो, चाहे गाड़ी का ब्रेकडाउन हो, जहाँ वो कंजेशन बनता है वहाँ लगाए गए हैं। इसका प्लस पॉइंट ये है कि ड्यूरिंग अमरनाथ यात्रा, चूँकि ये एक टेक्निकल एस्पेक्ट है, सिम बेस्ड टेक्नोलॉजी है, ट्रैफिक कंट्रोल यूनिट इसको 24/7 वॉच करता है, इससे हमको काफ़ी हेल्प मिलेगी श्री अमरनाथ यात्रा को स्मूथ रन करने में। और कहीं अगर कोई फॉल्ट होता है, हमारी जो ट्रैफिक की डिप्लॉयमेंट है उसको टाइम मिलता है जल्दी एफिशिएंटली और इमीडिएटली रिस्पॉन्ड करने का और उस ब्लॉकेट को दूर करने का। तकरीबन जैसे कहीं कोई लड़ाई वगैरह हो जाए वो भी दिख जाता है और वो हम इमीडिएटली डिस्ट्रिक्ट पुलिस को पास कर देते हैं कि वहाँ पर जैसे एक्सीडेंट हो गया वो भी मदद मिल जाती है, एक्सीडेंट हो गया कैमरे में आ गया, इमीडिएटली हमारी टीम आ गई, उसी समय PCR को इन्फॉर्म कर देते हैं। तो इसके मल्टीपल फ़ायदे हैं, हर तरह से इसका फ़ायदा है। तकरीबन अगर सामने आया गाड़ी अगर आ गई तो फिर पता चल जाता है कि फलानी गाड़ी ने हिट किया है, वो आगे गई है, अगले कैमरे में या अगले पॉइंट को अलर्ट करके अगले थाने चौकी को बताकर उसको ट्रेस कर लिया जाता है। सभी तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही हैं और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को भी पूरी तरह से उसकी भी तैयारियां की जा रही हैं और एडिशनल डिप्लॉयमेंट स्पेशली अलोंग दी नेशनल हाईवे की जा रही है, जहां से उधमपुर बीइंग ऑन द जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे, तो यहां पे सभी सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स को ज्यादा ध्यान दिया जा रहा है और जितने भी यात्री आएंगे उनके लिए एक सेफ और सिक्योर मूवमेंट हो, इसी के लिए हम लोग सारी हमारी टीम तैयार है और सभी अरेंजमेंट्स किए जा रहे हैं। उधमपुर में 26 लॉजमेंट सेंटर्स हैं जिसमें हम ऑलमोस्ट 6000 लोगों की कैपेसिटी है हमारी उन्हें रुकाने की, और अगर किसी भी रीजन से यात्रा रुकती है, अगर रामबन में कोई लैंड स्लाइड रिलेटेड या कोई भी रोड ब्लॉकेज की इशू आता है तो हमारे पास एडिक्वेट कैपेसिटी है कि हम यात्रियों को एक कंफर्टेबल स्टे का अरेंजमेंट दे सकते हैं और वहां पे उनके सैनिटेशन की, सिक्योरिटी की सभी अरेंजमेंट्स की रिव्यूज किए गए हैं और लॉजमेंट सेंटर्स में नोडल ऑफिसर्स डिप्यूट किए गए हैं जो उनकी सभी ओवरऑल तैयारियों को मॉनिटर करेंगे, और रेलवे स्टेशन उधमपुर के द्वारा जितने भी यात्री आते हैं उनके लिए भी काउंटर्स में EKYC और RFID सेंटर्स लगाए गए हैं ताकि यात्रियों को वहां पे आके भी अगर अपना टोकन बनवाना है तो वो भी